एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि इस पिक्चर के बारे में कि यहाँ पर किस टाइप का जो है रूल होता था। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन जो था यहाँ पर रूल सिस्टम चलता था। एब्सोल्यूट सिस्टम क्या था? मोनार्कियल रूल को बताता है एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम। तो अब देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों को एक चीज़ की कंफ्यूजन आ रही है कि मैम आप बताइए कि फ्रांस का जो फ्लैग है वो कौन सा है और जर्मनी का फ्लैग है वो कौन सा है। तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, कि फ्रांस का और जर्मनी का फ्लैग कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो फ्लैग आपको शो हो रहा है, ये वाला, तो ये वाला फ्लैग है जर्मनी का। ठीक है, ये जो शो हो रहा है मैंने सर्कल कर दिया है, ये फ्लैग किसका है? जर्मनी का है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ी सी पिक्चर इसमें, ठीक है, अब सही है कि ये जो फ्लैग है ये किसका फ्लैग है? ये जर्मनी का फ्लैग है। और इसके जो आगे है, यानी कि मान लीजिए आप कि रेड कलर में जो है मैंने रेड सर्कल किया है वो तो क्या है? जर्मनी का मैप है। और जिस पे मैंने ऑरेंज सर्कल किया है वो क्या है? वो है फ्रांस का फ्लैग। क्या है ये जो रेड सर्कल है? ये तो है जर्मनी का फ्लैग, और जो ऑरेंज सर्कल है ये क्या है? फ्रांस का फ्लैग। तो आप इस चीज़ को भूलिएगा मत, इसको राइट डाउन कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ गए थे। अब नेक्स्ट पेज पर हमने कहाँ से रीड करना था? हमने रीड करना था शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग। यहाँ आपको बता दिया है कि जर्मनी का फ्लैग कौन सा था, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग उसमें आपको शो हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि जर्मनी का फ्लैग कौन सा है और फ्रांस का फ्लैग कौन सा है। तो अब इसका क्या मतलब है कि शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, मतलब फ्रांस को फॉलो कर रहे थे जर्मनी के लोग, जिनके हाथ में ब्लैक रेड और गोल्डन कलर का क्या था? झंडा था। अब इंटरेस्टिंगली क्या चीज़ है, वे बोल रहे हैं कि सूरों ने फ्रांस के लोगों को तो दिखाया ही है, ठीक है, साथ ही जर्मनी के लोगों को भी झंडा लिए दिखाया है। हमने देखा कि पहले को जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के लोग क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं, पार कर देते हैं। उसके बाद जो उसके पीछे जो है फ्रांस के, जर्मनी के लोग झंडा लेकर आ रहे होते हैं। तो अब क्या है कि एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि साथ ही जर्मनी के लोगों को भी झंडा लेकर दिखाया, ये मैंने आपको बता दिया था। और उस समय तक जबकि इस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, हम बेसिकली इस चैप्टर में किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हम अभी तक हमने पेंटिंग को ही एक्सप्लेन किया है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? पेंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बच्चों, ये जो पेंटिंग है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो ये पेंटिंग है यही क्या है? मेन रीज़न है हर चीज़ का, ठीक है। हमने इतनी एक्सप्लेनेशन पढ़ी इसके बारे में, उसका कारण भी क्या है? पेंटिंग ही है। तब तक जर्मनी तो एक देश के तौर पर उभरा भी नहीं था, मतलब जिस टाइम पे जो फेडरिक सूरो है इन्होंने पेंटिंग में बना दिया, ठीक है, जर्मनी के लोग दिखाए, फ्रांस के दिखाए, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनको फॉलो कौन सी कंट्रीज कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जिस टाइम पे फेडरिक रूसो ने फेडरिक सूरो ने पेंटिंग बनाई, उस टाइम पे तो जर्मनी था एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह नहीं आया था, एक कंट्री की तरह उभरा नहीं था, ठीक है। जर्मन पीपल अलग अलग देशों में रहते थे, ठीक है, एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था। अब फ्लैग जो था वो लिबरल होपर्स के बारे में था, ठीक है। लिबरल होपर्स के बारे में क्या? लिबरल होपर्स का मतलब पता है क्या? ये देखो यहाँ पर जो है आपको ये लाइन मिलेगी, एट द टाइम व्हेन द सूरो क्रिएटेड दिस इमेज जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन, उनका यूनाइटेड नेशन नहीं था, ठीक है। फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन था जो कहाँ का है? लिबरल होप्स का है, 1848 के, जो उनको बताते हैं कि क्या करें कि जो नंबरों ऑफ बहुत सारे जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ है वो कहाँ पर है? इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अब ये जो है सिस्टम थोड़ा सा उलझ गया है, अब आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही होगी कि मैम बोल क्या रहे हैं,
तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने अभी तक वीडियो में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया है कि फ्रांस के पीछे कौन चल रहा था, जर्मनी चल रहा था, जर्मनी के हाथ में एक फ्लैग था जो किस कलर का था, ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का। उसके बाद हमें ये पता लगता है कि जिस टाइम फ्रेडरिक सूरो ने ये पेंटिंग बनाई उस टाइम पर जो जर्मनी था वो एक देश की तरह उभरा ही नहीं था, ठीक है, वो तो जस्ट उसके जो लोग थे अलग अलग कंट्रीज़ में रहते थे और एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, जस्ट एक लिबरल होप्स को लेकर उन्होंने क्या कर दिया, फ्लैग कैरी किया था। मतलब 1848 के टाइम पे लोग ये होप कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी से दूसरों का हक जो है जाकर उनको खुद का हक मिलेगा, यानी कि जर्मनी के जो लोग हैं वो इस फ्लैग को कैरी करने का, लिबरल होप्स को कैरी करने का यही मोटिव है कि कम से कम उनके पास पावर आ जाए। किस चीज़ की पावर आ जाए, सेल्फ रूल की पावर आ जाए, जो दूसरे लोग उनकी लाइफ्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी कंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे कंट्रोल छीन कर उनके पास वापस आ जाए, जर्मनी के लोगों के पास। तो और ये भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से यूनिफाई होंगे जर्मनी के लोग। अब जर्मन पीपल को कौन फॉलो कर रहा है, अब इस चीज़ को हमें जानना है कि जर्मन पीपल को कौन फॉलो कर रहा है। बच्चों, तो जर्मन पीपल को फॉलो कर रही है पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिलीज, ठीक है, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया। तो ये सारी दूसरी कंट्रीज़ है जो किसको कवर कर रही हैं, जिसको फॉलो कर रही हैं, तो वो फॉलो कर रही है जर्मनी को, और जर्मनी किसको फॉलो कर रहा है, फ्रांस को, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब देखो कि ये तो हमने देखा कि सबसे जो है जर्मनी के पीछे को क्या क्या थे, तो ये सारे के सारे लोग जर्मनी के पीछे थे जो हमने पढ़ा, पोलैंड, इंग्लैंड, रशिया, हंगरी। अब देखो सबसे आगे कौन था, तो सबसे आगे था यूएस और स्विट्ज़रलैंड। कौन था सबसे आगे, यूएस और स्विट्ज़रलैंड जो है वो सबसे आगे था, ठीक है, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी आगे निकल चुके हैं। मतलब उनके देश में जो है लिबरल थॉट्स हैं, उनके देश में लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब आज़ादी है, लोगों के पास आज़ादी है, और वहाँ पर जस्ट कौन पहुंच गया, वहां पर फ्रांस पहुंच चुका है। फ्रांस के पीछे जर्मनी है और जर्मनी के पीछे बहुत से देश, पोलैंड, इंग्लैंड, रशिया, हंगरी। और अब यहाँ पर आप पेंटिंग की फिर से बात कर लेते हैं कि पेंटिंग में हमें यहाँ पर शो कर दिया गया था कि आसमान से ये सारे जो सीन हो रहे हैं कौन देख रहा है, तो ये जो जीसस क्राइस्ट हैं ये देख रहे हैं, और उनके साथ कुछ जो है एंजल्स इस सभी चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, ये फ्रेटर्निटी को सिम्बलाइज कर रहे हैं, भाईचारे की भावना को सिम्बलाइज कर रहे हैं, भाईचारे को जो कि वर्ल्ड के नेशंस में है, ठीक है, भाईचारे यानी कि ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो सारे वर्ल्ड के नेशन में है। तभी क्या है, ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या जा रहे हैं, एक आज़ादी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के जो देश उनके बीच जो भाईचारा है उसे देखकर ये जो सारे एंजल्स हैं, ये जो क्या कह सकते हैं जीजस है, ये क्या हुए हैं, अपना हेवन से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे, इस चैप्टर में आगे हम लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन, रशिया के बारे में क्या चल, रशिया में क्या चल रहा है वो सब भी पता चलेगा, ठीक है। तो यूरोप के जो भी देश थे, ठीक है, वो किस तरीके से उन्हें क्या हुआ, यूनाइट हुए, ठीक है, जर्मनी, इटली, ग्रीस कैसे आज़ाद हुए, तो इस सब के बारे में जो है हम चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे और ब्रीफ में जो है पढ़ेंगे। अब जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगी इस टॉपिक का। तो ये टॉपिक है द फ्रांच रिवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब देखो बच्चों, जिन बच्चों ने 9th में सीरियस होकर स्टडी की थी, जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1st है फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया था, तो उन्हें तो है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अब जो है इस चैप्टर के थ्रू आपका वो चैप्टर भी क्लियर कर दूंगी। तो देखिए मतलब अब इस चीज़ का मतलब क्या है, हमने देख क्या है, हम देखने वाले हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हुई थी, ठीक है, और उसके क्या आउटकम्स थे, उसके क्या परिणाम निकल कर आए हैं, और जो कहां पर यूज़ किए गए हैं, और फ्रांस में जो है एज अ नेशन कैसे इमर्ज हुआ। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट यानी कि आउटकम्स क्या रहे, ठीक है, और जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये एज मतलब जो फ्रांस है जो एज अ नेशन कैसे इमर्ज हुई, एज अ कंट्री कैसे इमर्ज हुई, हम ये भी देखेंगे। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था फ्रांस में, वो हुआ था 1789 में, ठीक है, और 1789 में होने के साथ साथ वो पहला ऐसा इंसिडेंट था जब क्या हुआ था, जब हमें ये देखने को मिला था कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो राजा महाराजा होते हैं, वो वहाँ से पावर शिफ्ट, ठीक है, पावर शिफ्ट होकर
किसके पास आई थी, लोगों के पास, या फिर तो वर्ड का पहला इंसिडेंट बोल सकते हैं जहाँ पर क्या होता है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब मैं ये क्या बोल रही हूँ, होता है नहीं होता, सब ऊपर से चला गया होगा आपके। अब जो है हम इसको माइंड में लाते हैं, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोल रही हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 में हुआ। ये एक ऐसा पहला इंसिडेंट था जो जिसमें क्या हुआ था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसमें राजा महाराजा होते थे, जिसमें पावर शिफ्ट होती थी, ठीक है। अब क्या है कि पहले तो थी गवर्नमेंट के पास पावर थी, उसके बाद क्या है डेमोक्रेसी, हमने देखा कि कैसे आएगी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की वजह से जो पावर है अब किसके हैंड में चलेगी, पीपल्स के हैंड में चलेगी, लोगों के हैंड में चलेगी। तो हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, तो जब यूरोप में नेशनलिज्म होना चालू हुआ था, ठीक है, हुआ होगा, तो फ्रांस एक बहुत ही क्या हुआ था, प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, किसने, फ्रांस ने, ठीक है। अब क्यों प्ले किया है, क्योंकि फ्रांस जो है पहली सीढ़ी था, ठीक है, फर्स्ट डोर, फर्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस बोल सकते हैं फ्रांस को, जहाँ से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो हमें आई, नेशनलिज्म की फीलिंग मतलब देशभक्ति की फीलिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब जो है हम इस टॉपिक को अच्छे से जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक है वो क्या है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए ताकि आपको जो है ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हर चीज़ जो है पॉइंट टू पॉइंट समझ आती रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।